तीन तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना केंद्र के बाहर तीन लेयर में कड़ी सुरक्षा होगी। पूरे प्रदेश में 3 तारीख को मतगणना होनी है और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय हो जाएगा। टीकमगढ़ में भी तीनों विधानसभाओं की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना केंद्र के बाहर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा को लेकर विशेष दल तैनात किया गया है। टीकमगढ़ और जतारा विधानसभा में 19 राउंड की गिनती होगी, तो वहीं खरगापुर विधानसभा में 21 राउंड की गिनती होगी। वहीं सभी विधानसभाओं में गिनती के लिए 1414 टेबले लगाई गई है। सबसे पहले मत पत्रों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके बाद ईवीएम मशीन खोली जाएगी, उनकी गिनती प्रारंभ कर दी जाएगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ढोंगा ग्राउंड पे टीकमगढ़ जिले की मतगणना रखी गई है। उसमें 3 कक्ष अलग अलग रखे गए हैं, टीकमगढ़, जतारा व खरगापुर विधानसभा के लिए। 19 राउंड में टीकमगढ़ और जतारा की होगी और 21 राउंड के अंदर खरगापुर की काउंटिंग का कार्य संपन्न होगा। इसके लिए पृथक से 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना चालू होगी। 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी। मीडिया सेंटर के लिए बाहर हमने पृथक से व्यवस्था की है, जिसके अंदर वाईफाई, टीवी व अन्य सभी ट्रांसमिशन की जो व्यवस्था है वो हमने सुनिश्चित करी है। कर्मियों की एंट्री हमने 6 बजे प्रारंभ की है व सभी एजेंट हमारे 7 बजे से अंदर आ जाएंगे। पुलिस द्वारा 3 कॉर्डन की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर की गई है और हमारा स्ट्रांग रूम वहीं पर अंदर है, जिसके अंदर मुस्तैदी से BSF का बल तैनात है उसकी सुरक्षा करने के लिए। 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें BSF, SF और डिस्ट्रिक्ट का बल रहेगा। साथ ही एजेंटों के फिस्टिंग और उनके आने जाने तथा मीडिया और अधिकारियों के आने जाने की पृथक से व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि 200 मीटर के अंदर प्रतिबंधित हैं और मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का मतगणना स्थल में मोबाइल वगैरह या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस अलाउड नहीं है। साथ ही कोई भी माचिस, बीड़ी, सिगरेट इस प्रकार के पदार्थ भी अलाउड नहीं है और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। बाहर से बल की मांग की गई है और हम उस बल को लगा रहे हैं प्रॉपरली और साथ में हम पहले इसके लिए बलवा ड्रिल की तैयारी भी कर रहे हैं। इस शुक्रवार को बलवा ड्रिल कराई जाएगी, साथ ही हम लोग फ्लैग मार्च भी निकालेंगे और पूरी तरह पुलिस अच्छे से इसको शांतिपूर्ण सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे जिले में हमने प्लान किया है, सभी विधानसभाओं में जहाँ जहाँ सेंसिटिव है वहाँ हमने अधिकारी कर्मचारी अपने अलग से रखे हैं वहाँ की व्यवस्था के लिए और अलग से धरना प्रदर्शन व्यवस्था, कोई जुलूस निकलता है उसकी व्यवस्था और कैंडिडेट की सुरक्षा, ये सारी व्यवस्थाओं का अलग से प्लान किया गया है। कितना बल लगाया जाएगा? लगभग 1000 का बल कुल पूरे जिले में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।